साहब चाहते तो वो मुख्यमंत्री रहते, उप मुख्यमंत्री रहते, बड़े बड़े सेंटर में मिनिस्टर रहते, उन्होंने क्यों नहीं चुना, क्यों लोगों को बनवाया? क्योंकि मैं अपनी सीमा से जुड़ा रहूं और जुड़ के इनकी मदद करता रहूं। वो उनकी सोच थी, वही सोच बस हमारी है कि मैं फिर से लड़ने के लिए और आप लोगों के साथ खड़ी हूं। मैं चाहती हूं कि इस चुनाव को एक समझ से, मैं नहीं थी कि चौपाल प्रोग्राम करवाई है आपको, ताकि सभी लोग खुल कर बोलेंगे। पिछले पार्टी में जो लोग भी हैं, उन लोगों ने कुछ भी मशवरा नहीं दिया है। मैं चाहती थी कि सब लोग आगे पीछे, सब लोग दो दो शब्द अपनी बात को रखें। इस मंच के अध्यक्ष राजकिशोर यादव जी और मंच के संचालन कर रहे हैं नागेंद्र माझी जी, और यहाँ पर बैठे इस ब्लॉक के मनोज सिंह जी, यहाँ के हमारे गार्जियन सोनू राजेंद्र भाई जी, सुरेंद्र भाई जी, और भी बहुत सारे, ये है बहुत सारे, हमेशा हाल चाल पूछते रहते हैं। और हमारे साथ आए हुए रिलाती गिरी जी, जो मेरी सोची की राजनीति गुरु है, इन्होंने मुझे सिखाया कि ये गांव है, यहाँ पर ये पंचायत होता है, यहाँ पे पंचायत, ये प्रखंड है। मैं कुछ नहीं जानती थी कि ये हमने बस इतना पढ़ा था कि ये सिवान जिला है और सिवान जिला के सारे अपने लोग हैं। मुखिया सर के जिला अजय चौहान जी, विजय यादव जी, भगवान जी, उमेश भाई जी, श्री अनिल भाई जी, जो हमारे गार्जियन है, सबसे पहले राजभवन प्रोग्राम उन्होंने करवाया था 2009 में, तब से मैं जानती हूँ बहुत नजदीक से। सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, खासकर इस वक्त नौजवानों को बहुत शक्ति लगाने की जरूरत है, हमारी बहनें, महिलाएं, और जो जो भी अगल बगल प्रखंड से आए हुए थे, सभी को मैं आदाब प्रणाम सलाम करती हूँ। आज बहुत विपरीत परिस्थिति है, साहब को गए हुए 3रा साल पूरा होने वाला है। सोचिए कि उस अवस्था को 2021 का, कि हम लोग कितनी विपरीत परिस्थिति में 2021 को गुजारा है, बड़ी लग रहा था क्यामत का वक्त है, हमारे साहब चले गए। मैं भी बीमार थी, सभी लोग यहाँ से फोन कर रहे थे, मेरी दिमागी संतुलन भी डिस्टर्ब थी। मैं कह रही थी दुआ करिए, कहिए कि मैं अपनी लैंग्वेज में ये ऊपर वाले से दुआ करिए और कहिए कि साहब जिंदा है, साहब स्वस्थ है। वो हम लोग के बीच साहब फ्राइडे को दुनिया से गए, हमने थर्सडे वेडनेसडे को कहा कि नहीं साहब हैं, हम लोग संडे को घर आ जाएंगे, सबके साथ खाना पीना खाएंगे। सोचिए कि उस वक्त उस महिला की क्या हालत थी, और जब मैं उस अवस्था से निकली तो हमारे एक एक भाई सिवान के, हमारे हाल चाल लेने बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे थे पूछने हम लोग हैं, मैं जिंदा हुई और आज आप लोगों के बीच में हूं। मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं इसलिए लड़ूंगी कि आप सबको ताकत मिल सके, सबको एनर्जी मिल सके, जो आज कहीं भी कुछ भी विपरीत परिस्थिति आती है, किसी का कोई सहारा नहीं होता है। थाना में जाइए, कहीं आपदा में जाइए, कहीं ब्लॉक में जाइए, बहुत सारी इंसान की जिंदगी में जरूरतें होती हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको अपनी जमीनें बेच कर पूरी करनी पड़ती है।
उसको अपने जेवर को गिरवी रखना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे समाज का विकास करूं कि ताकि कोई भी इस आपदा से मजबूर ना हो, सब एक दूसरे का सहारा बने, सब एक दूसरे को सहारा बने। अगर आज हमारे थाने में कोई काम है, किसी को इंसाफ दिलवाना है, किसी को इंसाफ चाहिए, तो आप लोग एक एक पढ़कर एक एक कदम बढ़ाए और उस व्यक्ति को इंसाफ मिले। आज हमारी महिलाएं प्रताड़ित होती है, आज भी एक दहेज का दंश जो है ना, आज भी हमारे समाज में है, उसको हम अभी खत्म नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से आए दिन हमारी बच्चियां बलि चढ़ती है। पेपर में आए दिन आता होगा कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया। वो दिन परिस्थिति हमारे भाई बंधु को कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई सहारा नहीं देता है, कहीं कोई किसी की बच्ची की शादी है उसको व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, कहीं कोई नौजवान का एजुकेशन अधूरा रह जा रहा है, उसको कहीं एडमिशन के लिए चार पैसा चाहिए, वो व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मैं चाहती हूँ जमीनी स्तर से मैं एक जनरल पब्लिक के नाते ये चाहती हूँ कि जमीनी स्तर से मैं सबको मदद करूँ और आप सब लोग मिलकर मदद करें, यही मेरी सोच है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ भीड़ लगाए, दरबार हो और मैं बहुत बड़ी नेत्री बनूँ, नहीं। मैं जमीन पे चलने वाली एक महिला हूँ, मैं जमीन पे रहना चाहती हूँ। आज अगर हमारे साहब चाहते तो वो मुख्यमंत्री रहते, उप मुख्यमंत्री रहते, बड़े बड़े सेंटर में मिनिस्टर रहते, उन्होंने क्यों नहीं चुना, क्यों लोगों को बनवाया? क्योंकि मैं अपने सीमा से जुड़ा रहूं और जुड़ के इनकी मदद करता रहूं। वो उनकी सोच थी, वही सोच बस हमारी है कि मैं फिर से लड़ने के लिए और आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस चुनाव को आप पंचायती चुनाव लेवल पे लड़े। एक एक इंसान जो अपने गांव में है उसकी जिम्मेदारी ले, पंचायत की जिम्मेदारी ले ग्रुप बनाकर, और सभी ए टू जेड सभी एक करके इस चुनाव को आप जीतिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहती हूँ बस यही, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं चाहती थी कि माइक भी ना हो, हम लोग अपने बात की अपनी बात आदान प्रदान करें बहुत संयम ढंग से और पूरे एतमाद के साथ। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऊपर वाला भी इंशाल्लाह साथ देगा, और आप सब नौजवान बाबू लोग बूथ स्तर पर कमेटी बनाएं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। नहीं, अब ये सवाल जनता का जरूर हो सकता है, लेकिन सिवान के मालिक जिनके सुख दुख में हर वक्त हेना साहब रहते हैं, लोगों का मोहब्बत उनके साथ जुड़ा हुआ है, हेना साहब का जो निर्णय आएगा, जैसे निर्णय आएगा, सिवान के मालिक उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है, और ये प्रत्यक्ष भी आपको दिख रहा है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, अभी रघुनाथपुर के सरजमी पे आपने देखा भी कि किस प्रकार से लोगों का हुजूम है, किस प्रकार से लोगों का प्यार है, किस प्रकार से लोगों का ताकत है। आप टिकट चाहे जिस पार्टी का हो, जैसे हो, जहां भी हो, फैक्टर ये नहीं कहता, फैक्टर ये है कि सिवान के मालिक जिसके साथ खड़ा रहेंगे वही यहाँ का सांसद बनेगा। जैसे जैसे लोगों में चर्चा जा रहा कि मैडम जदयू जा रही है या जनसुराज, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र के मालिक है, सब लोग अपने अनुसार कयास लगाते हैं। इसी लोकतंत्र के मालिक कहते हैं कि हेना साहब जदयू से जा रही है, हेना साहब एलजेपी में जा रही है, हेना साहब इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, सिवान के मालिक जो चाहेंगे वही हेना साहब काम करेंगे। बोलिए भाई, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से हुजूम जो है, आप देखिए रघुनाथपुर में पहुंची हुई है हिना साहब, देख सकते हैं अपना जाने कहाँ बोलता।
मिल गया।